जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं पेपर प्लेट की सच्चाई के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेपर प्लेट से आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप उससे 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। और स्टार्टिंग में आप लोग तो नए होते हैं, आप लोग को समझ नहीं आता है कि पेपर प्लेट बिजनेस करने के लिए हमें कौन सी मशीन लेनी चाहिए और हमें कहाँ से मशीन लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आप पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी बात आपको और कोई नहीं बताया, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए बिल्कुल ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस करने के लिए हमें कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा और इस बिजनेस को करके हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आज हम इस सारे पॉइंट जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पेपर प्लेट के सच्चाई के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें जगह कितनी लगेगी। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बड़ा जगह की ज़रूरत नहीं है। आप 10 बाई 10 का या 5 बाई 10 में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत कम जगह में स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मशीन कौन सा ले, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता है कि मशीन कौन सा ले और बाद में फंस जाते हैं मशीन लेके डबल डाई। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग सिंगल मशीन लीजिए, जो कि सिंगल डाई का हो और डबल ब्लॉक का हो। वो मशीन काफ़ी हैवी होता है। और हाँ, याद रखें कि आप मशीन वहीं से ले जहाँ पे इस बिजनेस को प्रैक्टिकल किया जाता है, क्योंकि जो इस बिजनेस के बारे में प्रैक्टिकल करते हैं उनको फुल जानकारी होती है और वो आपको सच्चाई बताते हैं इस बिजनेस के बारे में कि इस बिजनेस में क्या कमी होती है, किस तरह से क्या मशीन में दिक्कत होती है। जो मशीन बेचते हैं उन लोगों को सिर्फ मशीन बेचने से मतलब होता है, इसलिए वो लोग मशीन की सच्चाई नहीं बताते हैं। अब बस वो आप कहते हैं कि हमें सस्ता मशीन चाहिए तो वो आपको सस्ता मशीन दे देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ज़्यादातर आप ध्यान रखें कि आप मशीन वहीं से लें जहाँ पर इस मशीन को प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि पेपर प्लेट मशीन की कीमत क्या है। तो दोस्तों, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये मशीन 65,000 रुपये की है, जो कि डबल ब्लॉक में है और ये मशीन काफ़ी हैवी है। इसकी वज़न कम से कम 300 किलो का है। और दोस्तों, इसमें गोदरेज का मोटर लगा हुआ है। और इसकी रफ्तार के बारे जाने प्रोडक्शन की, तो आपको घंटे में कम से कम 2,000 पीस निकालता है। और दोस्तों, इस मशीन को 65,000 लेते हैं, और अगर इसकी आप डाई लेते हैं साड़ी, इसकी 8 डाइयाँ होती है, 9, तो अगर आप 9 डाई लेते हैं तो आपको मशीन में और डाई में 95,000 रुपये लग जाता है। और दोस्तों, अगर आप मशीन और डाई लिए हैं तो कम से कम आपको मटेरियल भी लेना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को कर सकते हैं। और आप मटेरियल कम से कम आपको 1 टन लेना होगा, जो कि इस समय 60 रुपये चल रहा है। अगर आप 1 टन लेते हैं तो 60,000 रुपये का 1 टन होता है, तो आपको मशीन में और डाई में 1,65,000 रुपये बैठ जाता है। तो आप 1,65,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस मशीन से मंथली में कितना कमा सकते हैं और कितने के पैकेट बिकता है। तो दोस्तों, इस मशीन से आपको स्टार्टिंग में 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पार्टी पकड़ लेते हैं तो इस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आपका। क्योंकि दोस्तों, इसका जो 6 नंबर देखते हैं प्लेट, वो आपको 6 रुपये पैकेट बिकता है, और 7 नंबर 7 रुपये, 8 नंबर 9 रुपये, और 12 नंबर 25 रुपये पैकेट होता है, जो कि 25 पीस का होता है। दोस्तों, हम थाली की बात करें तो आपको थाली 13 इंच का 1 रुपये 20 पैसा का पड़ता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि महीने में आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मन लगाते हैं बिजनेस तो आपको इस बिजनेस को करके एक बोला जाता है 6 नंबर का 2,803,000 का, उसमें आपको 200-300 का प्रॉफिट भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप रोज़ का 10 बोरा माल बेचते हैं तो आप इसमें 3,000 रुपये रोज़ कमा सकते हैं एक मशीन लगा के। दोस्तों, आप लोग जान जाइए, अगर आप रोज़ का 3,000 रुपये कमाइएगा तो महीने का 90,000 रुपये, 1,00,000 रुपये आराम से कर सकते हैं इस बिजनेस से। दोस्तों, अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं तो आपकी मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मशीन फ्री में ठीक कर देंगे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब को बात समझ आ चुकी होगी, और अगर आप लोग को मशीन से रिलेटिव किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करना चाह रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें और पेपर प्लेट बिजनेस की सच्चाई जान लें, उसके बाद ही आप पेपर प्लेट बिजनेस करें। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोग को पेपर प्लेट बिजनेस की सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों YouTube पे देख के बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार पेपर प्लेट बिजनेस में बहुत कमाई है, इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग हमेशा हमें कॉल करते हैं कि सर ये बिजनेस में कितनी कमाई है, कितने प्रॉफिट है, क्या सही में इतनी कमाई हो सकती है एक मशीन से। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि YouTube पे जितने लोग वीडियो डाल रहे हैं ना, वो सब झूठ बोल रहे हैं कि आप पेपर प्लेट बिजनेस से महीने के लाखों रुपये कमा सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सारा सारी गलत बात है, 100% बिल्कुल असत्य बात है। दोस्तों आप पेपर प्लेट बिजनेस करके महीने के लाखों रुपए नहीं कमा सकते हैं। और दोस्तों एक बात बता दें आप लोग को, ऐसा ही होता ना तो आज हम लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते, क्योंकि हम लोग भी आप लोग जानते हैं कि हम लोग भी 3-4 मशीन लगा रखे हैं। तो अगर हम एक मशीन से 1 लाख रुपये कमाते तो 4 मशीन से महीने का 4 लाख रुपये होता। लेकिन नहीं दोस्तों, हम 4 मशीन लगा के भी महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं, बताइए। और लोग कहते हैं कि एक मशीन से आप महीने का 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ बात है। तो आज हम आप लोग को इस वीडियो में सच्चाई बताने वाले हैं कि आप एक मशीन से लगा के कितने के प्रॉफिट आपको हो सकती है और उतनी प्रॉफिट कैसे होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे बिजनेस करें अगर करना चाहते हैं तो, और इस बिजनेस की सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों जब तक आप बेल आइकन नहीं प्रेस कीजिएगा तो हमारे वीडियो आप लोग के पास नहीं पहुँचेगा, इसलिए दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों पेपर प्लेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट आप चालू तो कर लेते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये चाहिए, तो आप इस बिजनेस को 1.5 लाख रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी घर से। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि हाथी तो सब बांध लेते हैं मगर हाथी का चारा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही दोस्तों मशीन तो हर कोई लगा लेता है, मगर मशीन को चलाना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, हमें ऊंचाई तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। और दोस्तों ये वो कठिनाई है दोस्तों, इसमें बहुत कड़ी संघर्ष है, क्योंकि दोस्तों इसमें इतनी मशीनें लग चुकी है। आप देख जानते हैं कि हर स्टेज में, हर गांव में, हर शहर में पेपर प्लेट बिजनेस का डिमांड है, और हर गांव में, हर शहर में इसकी मशीन उपलब्ध है। तो दोस्तों इतनी सारी उपलब्ध है मशीनें, तो कैसे कमाई होगी, क्योंकि सब लोग इस बिजनेस कर रहे हैं और सब लोग डिमांड कम रेट करके माल दे देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। दोस्तों इसमें नए लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग तो एक मशीन लगाते हैं, उन लोग को सब चीज़ बाहर से खरीद के लाना पड़ता है, तो बताइए उन लोगों को कैसे कम होगा। और दोस्तों जो लोग पार्टी बना रखे हैं पहले से, उन लोगों का थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि उन लोग का सब कुछ अपना होता है, मटेरियल खुद तैयार करते हैं, पन्नी खुद का हो जाता है, और दोस्तों तो वो लोग कमाई कर लेते हैं। मगर नए लोग सोचते हैं कि यार हम लोग भी प्रॉफिट कर लें, मगर नहीं दोस्तों वो लोग नहीं प्रॉफिट कर पाते। अब वो प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाते, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों उन लोग का प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, सबसे पहले तो उन लोग को कैलकुलेशन करना नहीं आता है, और दोस्तों दूसरी बात ये है कि उन लोग को मार्केटिंग करना नहीं आता है, क्योंकि मेन चीज़ होती है मार्केटिंग। सब चीज़ डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर, अगर आप मार्केटिंग सही से करते हैं तो आपको आपका माल सेल हो जाएगा। लेकिन जब आप मार्केटिंग और कैलकुलेशन हल्का सा भी फ़र्क हो जाएगा दोस्तों इन दोनों में, तो आपका माल सेल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इन सब में एक एक पैसा जोड़ा जाता है। और दोस्तों जब नए लोग होते हैं तो उन लोग को इतना नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि जहाँ से वो मशीन लेते हैं मशीन वाले पे, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें मशीन वाला सब कुछ सिखा देगा, तो नहीं दोस्तों मशीन वाला आपको कैलकुलेशन करना नहीं सिखाएगा, वो अपना राज किसी को नहीं देता है। उन लोग को बस ये कहते हैं कि हाँ ये मशीन ले जाइए और आप इस मशीन से आप लगा के ढेर सारे पैसा कमा सकते हैं, महीने के 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। और दोस्तों जो लोग भी इस समय पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हम कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी मशीन ले लें,
तो दोस्तों हाँ, आपको एक बात बता दें, जितना आप दूध में शक्कर डालिएगा आपका दूध उतना ही मीठा होगा। लेकिन आप सोचिएगा कि हम दूध में शक्कर भी कम डालें और हमारा दूध भी उतना ही मीठा हो, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर आप अच्छी मशीन लेना चाहते हैं और अच्छा इन्वेस्ट करना, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अच्छी मशीन लेनी होगी और अच्छा पैसा आपको लगाना होगा। जब आप अच्छा पैसा लगा के अच्छी मशीन लेंगे तभी आप उससे अच्छा इनकम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर 30,000 मशीन तो आज बहुत क्वालिटी की आती है, बहुत कम का रेट आता है, 20,000 का भी आती है, 40 का भी आता है, 50 का भी आता है, 60 का भी आता है, मशीन तो हर क्वालिटी का होता है। लेकिन लोग सोचते हैं नए वाले कि यार हमें 30,000 20,000 की मशीन ले लेते हैं, उससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे। तो नहीं दोस्तों, अगर आप 30,000 20,000 की मशीन लीजिएगा तो आपको पछताना ही पड़ेगा। और दोस्तों एक बात बता दें, क्योंकि हम लोग भी मशीन बेचते हैं, हम लोग को भी पता है कि मशीन में क्या खूबी होती है। जब कोई हमारा कस्टमर आता है हमारे पास, तो उन लोग को मशीन की सच्चाई बताते हैं ना कि देखिए सर, आपको मशीन दे तो देंगे 30,000 में, मगर ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों वो लोग साफ मना करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं आप लोग झूठ बोलते हैं, हम कहीं और से मशीन नहीं लेते हैं। तो जब वो कहीं और से मशीन लेते हैं 30,000 40,000 या 35,000 में, तो उन लोग को हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं नहीं सर, आपने हमें सही बताया था कि इस मशीन में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों फिर वो आके फिर हमसे मशीन ले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उन लोग का डबल खर्च हो गया ना। जब उनको हमने सच्चाई बताया था कि इस मशीन में आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो वो जब उन्होंने नहीं माना, जब खुद पे हुआ तो दोबारा आके मशीन ले गए, तो डबल खर्चा हो गया। इसलिए दोस्तों पैसा आप एक बार लगाइए तभी आप कुछ है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं बड़ा, तो एक बार पैसा लगा के, कहते हैं ना कि सस्ता रहता है बार बार, महंगा रहता है एक बार। तो दोस्तों आप महंगा चीज़ लीजिए और अच्छी चीज़ लीजिए। आपको जीवन में कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आपको कुछ कीमती चीज़ पाना होता है, आपको कीमती चीज़ खोना ही पड़ेगा। दोस्तों आपका जीवन का कीमती चीज़ है वक्त। अगर आपको जीवन में पैसा कमाना है तो आपका कीमती चीज़ वक्त को गंवाना होगा। जब तक आप वक्त गंवा के मार्केट में नहीं घूमिएगा, जब तक आपको कोई भी आपका सेल नहीं होगा और आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पाइएगा। यदि दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग को मशीन चाहिए या फिर मशीन का कोई भी पार्ट पूरे चाहिए, या फिर आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं और आप लोग के मशीन में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी फुल सहायता कर देंगे। और दोस्तों एक बात बता दें, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस करने के बारे में, तो दोस्तों उन लोग को ये नहीं पता होता है कि हमें बिजनेस करने के लिए मशीन कौन सा लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताते हैं कि आपको बिजनेस करने के लिए कौन सी मशीन लेनी चाहिए और आपके लिए कौन सी मशीन बेस्ट है और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों आपको मशीन लेनी चाहिए करेंट वाली मशीन, जो कि डबल ब्लॉक होती है। दोस्तों डबल ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि आपको दो, आपको जैसे मशीन में डबल बैरिंग लगी होगी, उसी को हम डबल ब्लॉक कहते हैं। दोस्तों वो मशीन आपको 60 से 65,000 के बीच में मिल जाएगी। दोस्तों आपको बिजनेस करना है तो आप ये मशीन लीजिए, आपको बेस्ट मशीन पड़ेगी। दोस्तों उसका प्राइस आपको बता दी हमने, 60 से 65,000 में मिलेगी। और दोस्तों अगर आप लोग को मशीन के बारे में किसी भी तरह जानकारी चाहिए, तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में बिजनेस करना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो लोग बिजनेस कर नहीं पाते हैं और इसी कारण वो लोग अपने घर परिवार को छोड़ के अलग अलग शहरों में जाके काम करते हैं, जिनमें उन्हें सैलरी मिलती है 10,000, 12,000 या 15,000 या अधिक से अधिक उन्हें 20,000 मिलती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में इतनी महंगाई होने के कारण उन लोगों का 20,000 रुपये में या 15,000 रुपये में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसी कारण हम लोग सोचते हैं खुद का बिजनेस करने के बारे में, लेकिन आप लोग जानते हैं पैसे ना होने के कारण वो लोग कर नहीं पाते। और कुछ लोग सोचते हैं जब तक हमारे पास 3-4 लाख रुपये नहीं होता है जब तक हम कोई भी बिजनेस नहीं कर पाते, इसी कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं। और दोस्तों एक बात बता दें, आज हम आप लोग को इस वीडियो में एक ऐसा स्मॉल बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिससे आप अपने गाँव घर में रह के इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और इस बिजनेस से अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिससे आप अपने घर परिवार के साथ रह के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के 40 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मात्र आपको 3,000 रुपये लगेंगे। आप इस बिजनेस को 3,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के 40 से 50 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि ये बिजनेस कौन सा है और कैसे शुरू करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग पास जल्द से जल्द मिले। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो बिजनेस आइडिया कौन सा है जिसे हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में बने रहें। दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि आज के टाइम के जनरेशन के बच्चों को चटपटा खाना कितना पसंद है। उन लोगों को खाना मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चटपटा खाना उनको खाना ही है। वो लोग कहीं भी देखते हैं मार्केट में चटपटा चीज़, वो लोग उसे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ चाइनीज़ फूड के बारे में बात करने वाले जो कि हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और दोस्तों यदि आप लोग ये बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस के माध्यम से आप हर महीने 40 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले मोमोज, पंच फ्राई और बर्गर के बारे में। दोस्तों ये बिजनेस काफ़ी तेज से ग्रो कर रहा है और इस बिजनेस में लोग अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें और कैसे पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों हम बात करने वाले हैं मोमोज के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में दिल्ली हो, मुंबई हो या बिहार हो, मोमोज, फ्रेंच फ्राई और बर्गर बहुत तेज़ी से लोग आकर्षित होते की तरफ और वे लोग डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को चाइनीज़ फूड को लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि इन लोग का टेस्ट बहुत अलग होता है। और दोस्तों यदि आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके लिए बस एक जगह चुनिए जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे कि पार्क, स्कूल या फिर हॉस्पिटल या फिर और भी जहाँ जहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो, आप ऐसी जगह में दुकान लगाइए तो आपका सेल बहुत ज़्यादा होगा। और दोस्तों इस बिजनेस में लोग एक दिन में 2500-3000 रुपये कमाते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग इस बिजनेस को करते हैं तो आप भी इस बिजनेस से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं।